कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं क्लाउड किचन क्या होता है, दूसरा क्या हम क्लाउड किचन को घर से स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और चौथा भैया पूरा ऑपरेशन कैसे चलता है। तो जो भी पहली बार देख रहा है वीडियो को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पे 70 से ज़्यादा क्लाउड किचन के बारे में वीडियोज़ हैं, और आपको हर एक जानकारी चाहे इक्विपमेंट से लेके, मैन पावर से लेके, लेबर कॉस्ट से लेके, सब कुछ चैनल पे मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी जानकारी के लिए मेरे साथ रहिए। बाकी मेरा एक क्लाउड किचन का भी कोर्स है, आप चाहे तो ऐसे इसे एज ए कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गाइड A to Z। साथ साथ मैं कई सारी ऐसी एक्सेल शीट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो कि आपको एक क्लाउड किचन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो मुझे नीचे व्हाट्सअप जो नंबर है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड किचन क्या है। जिस प्रकार से अब ये कोरोना पूरे दुनिया में फैल चुका है और लोगों ने अब घर से बाहर निकलना कम कर दिया है, पर हम लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान और एजुकेशन, ये चारों चीज़ों पर हम लोग कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से लोग बाहर तो नहीं जाएंगे, पर खाना तो उनको खाना ही खाना है, पर वो खाना खाएंगे कैसे, बाहर से ऑर्डर करके, ताकि उन वो कहीं पे जाए ना, पर उनके पास खाना ज़रूर आ जाए। तो इस समय मौका है हमारे पास क्लाउड किचन में इन्वेस्ट करने का, या ऑलरेडी जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं वो भी अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं रेस्टोरेंट से बदल कर क्लाउड किचन में। अब क्लाउड किचन के लिए आपको किसी स्पेशल ऐसे मेन जगह की ज़रूरत नहीं होती, आप कहीं से भी क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। पर आपको वहाँ ये ज़रूर देखना है कि भैया वहाँ पर स्विगी, जोमेटो डिलीवरी कर रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये सबसे इसमें एक बेसिक पॉइंट आता है। दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, क्या हम लोग घर से क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने घर से क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप किसी एक प्राइवेट कॉलोनी में रह रहे हैं जहाँ पे कोई गेट वगैरह नहीं होता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर आप किसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जैसे कि मैं एक सोसाइटी के अंदर रहता हूँ, तो आपको RWA, आपकी जो जो भी सोसाइटी होती है, आपकी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जैसे हम जिसको बोलते हैं, उनसे एक परमिशन लेनी पड़ती है, ताकि जो भी जोमेटो या स्विगी या किसी भी दूसरे राइडर्स आपके घर पे आए तो सिक्योरिटी वाला उनको बार बार ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है राइडर्स का। तो बस उनको परमिशन मिलनी चाहिए, आप अपने घर से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि भैया डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं क्लाउड किचन को स्टार्ट करने के लिए। क्लाउड किचन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक फसाई लाइसेंस मिलता है। अगर आपको फसाई लाइसेंस, आप खुद भी जाके उनकी वेबसाइट पे जाके फसाई की आप बना सकते हैं, जिसके के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये में हमारा 1 साल का बन जाता है और 500 रुपये में 5 साल का, लेकिन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है हमारे GST नंबर का। आपको GST नंबर फ्री में मिल जाता है, आप दो वीडियो देख लीजिए, आपको सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद आपको एक मेन्यू की जरूरत होती है, जो भी खाना आप लोग सर्व करेंगे, और सबसे लास्ट आपको अपनी अकाउंट की डिटेल स्विगी जोमेटो को देनी पड़ती है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको स्विगी जोमेटो के साथ कैसे टाइप करना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर दीजिए, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पर जाके कि आपको स्विगी और जोमेटो के पास रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आपको उनसे टाई अप्स करने हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर कोई कर सकता है। सबसे लास्ट है ऑपरेशन काम कैसे करता है। जब भी आप अपना मोबाइल लेते हैं, अगर आप स्विगी या जोमेटो किसी का ऐप भी देखेंगे, तो आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स दिखाई देते हैं। मान लीजिए आप किसी एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, उसका खाना सेलेक्ट करते हैं, जो भी बिल होता है आप पे करते हैं, या आप बोलते हैं कि हम लोग बाद में पे करेंगे, तो सेम जब आप ऑर्डर करते हैं तो वही ऑर्डर उस रेस्टोरेंट के अंदर जाके रिंग होता है उनके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, जहाँ पे भी उन्होंने एक्सेस लिया होता है। अब जो उस क्लाउड किचन में बैठा है वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है, और फिर उसके बाद खाना बनाना रेडी होता है। जब खाना बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ टाइमिंग्स दी होती है, उसके बाद जो स्विगी या जोमेटो का राइडर्स रेस्टोरेंट के पास, क्लाउड किचन के पास जाता है, खाना वहाँ से पिक करता है, और वो खाना लेकर जो भी कस्टमर जिसने ऑर्डर किया होता है उसको वो दे देता है, उससे पैसे ले लेता है, चाहे या फिर उनकी जो पेमेंट है ऑनलाइन हो जाती है। तो कंप्लीट इस तरीके से एक प्रोसेस होता है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप कोई भी हो इस बिज़नेस में आ सकता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो एक नीश बेस पे काम होता है। आप एक जगह से एक छोटा क्लाउड किचन, चाहे बर्गर का हो गया, सैंडविचेस का हो गया, चाइनीज़ हो गया, इंडियन हो गया, थाई हो गया, कुछ भी इस तरीके से चला सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी होता है ऑपरेट करना।
अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप सीखें तो मेरा एक क्लाउड किचन का कोर्स है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, उसको ले सकते हैं। आपको बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि मेरा खुद के क्लाउड किचन है जो कि मैं चलाता हूँ। आप चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कोर्स की जो प्राइस है बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है। आपको लगेगा कि आप बहुत ही कम दाम में क्यों दे रहे हैं, पर मैं रियली में जो मेरे लाइफ में होता है मैं वो सारी चीज़ों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरी यूट्यूब पर जाके देखेंगे तो मैंने 350 से प्लस वीडियोस बनाती है जिसमें कि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, उनको छोटी छोटी बुक सेल करता हूँ। मेरा मेन मकसद यही है कि लोग सीखें और लाइफ में अपने आगे बढ़ें। क्लाउड किचन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो मुझे नीचे लिख दीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द रिवर्ट देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।